लेटर रिकवर फ्रॉम पाक सोल्जर, ये हमारा नहीं है, पाकिस्तान आर्मी का एक लेटर है, वेपन के साथ वहां पे कैप्चर हुआ था, उर्दू में लिखा हुआ है, ओरिजिनल है, बाद में इसको ट्रांसलेशन किया हुआ है। उर्दू में लिखते हैं, प्यारे अबू जान वालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूं, आप लोगों की सलामती के लिए दुआ करता हूं, मेरी सलामती के लिए भी दुआ करना। कर्नल बिकुमला संतोष बाबू के साथ 20 जवान को कैसे शहीद किया उन्होंने, हमारे 20 जवान थे, उनके 300 जवान मिलकर घेर लिया था उनको वहां पे, उनके हर जवान के पास शॉप वेपन थे, हमारा भी जाता है, उनका भी आता है, हम लोग सम्मान के साथ रिटर्न करते हैं और वो हमारे जवानों को पीसिस करके बेचते हैं। जमीन आसमान में इतना फर्क, जानवर और इंसान में इतना फर्क है, प्राउड फील होता है कि हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए। हमारा थर्ड पॉइंट है वॉल ऑफ ट्रीज, देखते हैं क्या सीन है और क्या डिग्री से बताता हूँ। यहाँ पे एक सीन हो रहा है, क्लिक कार्ड से पेमेंट होता है, कैश चलाऊंगी, तो ये कुछ है हॉल ऑफ फेम, तो ऐसा कुछ एंट्री इसकी, चलिए अंदर चलते हैं एक बार देखते हैं, अलाउ तो है ना फोन चलाना, तो ये कुछ है और ये पूरा मैप है किस तरह से ये मतलब ऐसा बनाया हुआ, यहाँ से भी जैसे हमने एंट्री की ऐसे करके पूरा ये घूमते हुए ऐसे करके निकल जाएंगे वापस इसी सेम जगह से, ये ठीक है। हिस्ट्री ऑफ लद्दाख, पूरी हिस्ट्री बता रखी इसमें। 17 साल की उम्र में मिला और एक महावीर 1971 में तुर्तुक को कैप्चर करने के बाद मिला। अब दो चीज समझ में आ गया, एक तो तुर्तुक हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया, वो पहाड़ी को देखने के लिए नहीं जाते, वो जमीन को देखने के लिए जाता है, उन लोगों को देखने के लिए जाता है जो वहां पे पहले पाकिस्तान थे, सही बात है। उसके बाद आप लोग आते हैं लेह पैलेस, सभी को पता है ये लेह पैलेस किसने बनाया था, शांति सुपर किसने बनाया हुआ था, हॉल ऑफ फेम अभी आप लोग है, कब बना हुआ है, तो ये सब कुछ पता होना चाहिए। हम लोग गाड़ी ड्राइवर भी बोलते हैं आप लोगों को, जल्दी जाओ जल्दी आओ, नहीं होता है यार, आप लोग टूर कर रहे हैं, टूरिज्म है आप लोग, हमारे लिए आप लोग बिल्कुल उसकी तरह है, जो आप लोग आते हैं हमारे इस लेह में आके हमारे लेह को आप लोग वो कर रहे हैं, इतना वो अच्छा बना रहे हैं, मगर हम लोग को वो हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, वहां से लोग बोलते हैं 5 मिनट में देखे आ जाओ, क्या होगा 5 मिनट में, 100% लिख के देता हूं, अगर आप लोग सुबह 9 बजे हॉल ऑफ फेम में आएगा शाम को 5 बजे तक भी खत्म नहीं होगा, एक अगर टेंशन होने वाले आदमी को, हजारों बोर्ड लगा हुआ है, हजारों बोर्ड, वो लोग बोलते हैं वहां से 10 मिनट देता हूं वो पास आ जाना, इससे थोड़ी होता है, हम 250 दिन क्या है यार, हमें भी जाके वहां पे कुछ बोलना है, फोटो दिखाए कि मतलब नहीं है, दिल्ली में वॉश हो जाएगा फोटो, दिल्ली में और बहुत सारी जगह ऐसी चीजें अच्छी अच्छी चीज, वो फोटो खींचने का तब तक पूरा मेमोरी फुल हो जाता है, उसके बाद बोलता है ऑल डिलीट, सही बात है। इसीलिए आप लोग किसी भी जगह जाता है उस जगह को पूछना, आप लोगों का फर्ज पक्का पूछना, आप लोग आते हैं यहाँ पे टूर करने के लिए आते हैं, आना जाना शुरू हो गया, एक जगह पे वो लोग नहीं बैठते थे, आज यहाँ पे फिर दूसरी जगह फिर तीसरी जगह चारों तरफ घूमते रहते थे, मगर एक जगह का वो लोग पक्का नाम किसी पत्थर के ऊपर लिख के रखते थे, अगर दोबारा उस जगह के ऊपर पहुंच गया तो बोल के व्हाट दी मीन बोल के यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। आप लोग यहाँ से लेके लास्ट तक फोटो ले सकते हैं। 15th century में यहाँ पे इस्लाम आरंभ हुआ था, जो कि गिलगित बल्टिस्तान से आए थे, गिलगित बल्टिस्तान से जो लोग आए थे उनमें एक किंग था जिसका नाम था आमिर मिर, आमिर मिर की एक बेटी थी उनका नाम है ग्याल खातून, अपनी बेटी को साथ लेके आए थे, एशियन कंट्री से लोग आए, आर्यन लोग आए, मोन्स आए, यहाँ पे एक बुद्धिस्ट किंग बना जिसका नाम था जामिया मंगल, जामिया मंगल बुद्धिस्ट, ग्याल खातून मुस्लिम, मुस्लिम और बुद्धिस्ट में शादी हो गया, शादी होने के बाद उनका एक बेटा हुआ, उस बेटे का नाम था किंग सिंगे नमग्याल, जो ले पैलेस, आधा मुस्लिम आधा बुद्धिस्ट दोनों धर्म को मानते थे, क्योंकि उनकी मम्मी जो है मुस्लिम थी, पिताजी जो था बुद्धिस्ट था, बहुत साल तक मुस्लिम बुद्धिस्ट करते रहा, बाद में उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया। उसकी बेटे ने इस लद्दाख को फेमस करने के लिए बहुत सारे मॉनेस्ट्रीज बना हुए, सबसे पहले उसने बनाया लेह पैलेस को, जो कि 17th century का बना हुआ पैलेस है। 18th century में डोगरा आई थी, डोगरा के अंडर में भी बहुत साल बैठना पड़ा, 1995 से लेकर 2019 तक, 1995 में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल दिया, 95 से लेकर 2019 तक इस लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर के अंडर में बहुत साल बैठना पड़ा, 2019 में जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया तो लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हो चुके, ये आप लोगों को थोड़ा बहुत हिस्ट्री। उसके बाद टोपोग्राफी, लद्दाख कारगिल से लेकर पेंगोंग तक, पेंगोंग से लेकर लास्ट विलेज तक पूरे रीजन को लद्दाख बोलते हैं, अकेले लेह को लद्दाख नहीं बोलते,
इस लद्दाख के अंदर सिर्फ दो ही डिस्ट्रिक्ट है, लेह डिस्ट्रिक्ट एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट। लेह डिस्ट्रिक्ट को ईस्टर्न लद्दाख बोलते हैं और कारगिल डिस्ट्रिक्ट को वेस्टर्न लद्दाख बोलते हैं। लेह के अंदर पॉपुलेशन जो है ज्यादा से ज्यादा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है और कारगिल के अंदर ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। ठीक है, यहाँ पे चंपाज लिखा हुआ है आपके पीछे, देख लीजिए आप। ठीक है, चंपाज लिखा हुआ द चंपाज आर ए सिमी नोमेडिक टिबेटन इथनिक ग्रुप फाउंड इन द चांगतांग। चांगतांग विलेज है, जो आप लोग पेंगोंग जाते हैं वहां पे एक विलेज है, उस विलेज का नाम है चांगतांग। आप लोगों को ऐसे ही लोग वहां पे अभी भी देखने को मिलेगा, ये भी नोमेड्स है। आप लोगों को लगेगा इसके ऊपर फट्टा कपड़ा पहना हुआ, इसके पास कुछ नहीं होगा, आप लोगों को लगेगा, मगर सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं के पास होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके पास 100-200 बेड बकरी नहीं होता है, इनके पास 1000-2000 बेड बकरी होता है। उसी बेड बकरी से वो लोग पश्मीना निकालते हैं, जो कि लद्दाख के अंदर पश्मीना भी बहुत कॉस्टली है। लद्दाख की चाय पिया? कौन सा चाय पिया? बटर टी, नमक चाय, हाँ वही बटर टी, बटर टी, नमक चाय, नून चाय, साल्ट टी, नमकीन चाय, नाम अलग अलग रखा हुआ, मगर पूरे का नाम जोड़ के गुरगुर चाय। क्या बताए? क्यों बोला गया इसको गुरगुर? इसका नाम कहाँ से आया था? वहाँ पे दो सामान है, आप लोग देख लीजिए, उसी का नाम है गुरगुर। क्या है? वहाँ एक सिलेंडर जैसा है, वुडन का बना हुआ। वो लोग पुराने जमाने में क्या करते थे, इसके अंदर चाय, पानी, दूध, मक्खन, साल पूरा इसके अंदर डालने के बाद बीच वाले लकड़ी से इसको शेक करते थे। शेक करते समय फर्स्ट साउंड जो आया था गुरगुर का आवाज आया था, तब से लेके आज तक इसको गुरगुर चाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग पता है लास्ट वाला, इस हॉल का लास्ट एडवेंचर्स, जो कि एडवेंचर्स है हमारा। एडवेंचर जो है तीन चार है, सबसे पहले आइस हॉकी, उसके बाद मैराथन, उसके बाद रिवर राफ्टिंग, लास्ट में आते हैं चादर ट्रैक। मेन क्या है इसमें? मैराथन बहुत ही फायदा है, फायदा क्या, फेमस है, क्योंकि वो समर में भी होता है, विंटर में भी होता है। समर में 71 किलोमीटर दौड़ा जाता है, विंटर्स में उसी पेंगोंग इलाके में बर्फ के ऊपर मैराथन होता है। लगा कि अकेले लोग नहीं दौड़ते, आप लोगों के वहां से ज्यादा लोग आते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, हर एक जगह से लोग आते हैं, इस मैराथन के अंदर भाग लेते हैं। 71 किलोमीटर नॉर्मल वाला रास्ता नहीं होगा, सिल्क रूट कहां से छोड़ा जाता है? नोपुरा से, उस साइड से 18,000 ऊपर जाएगा वो लोग, 18,000 से वापस नीचे आएगा, इतना 71 किलोमीटर करना पड़ता है। यहाँ पे भी आप लोगों के वहां से लोग आते हैं, इसके अंदर भाग लेते हैं। हमारे लिए भाग लेना बहुत बड़ी बात है, 18,000 इस एल्टीट्यूड में कोई कोई यहाँ पे चल नहीं पाएगा, कोई कोई मैराथन के अंदर भाग लेते। मुंबई से आते यहाँ पे, पुणे, मार, हर एक जगह से लोग आते। मुंबई से एक मैम आई थी यहाँ पे, हैरान हो गया मैं, 71 किलोमीटर के अंदर भाग लिया उसने, नोपुरा की उस साइड से उसको छोड़ा गया, शाम को 3 बजे पहुंचता है, सुबह 3 बजे छोड़ के, इतना टाइम लगता है, वहां से उसको छोड़ा गया, टॉप जाके नीचे लेता पहुंच गए, वो 20 मिनट लेट हो गए, नहीं पहुंचना। उसी दिन ठान ली उसने, मैं नेक्स्ट ईयर आऊंगी, दोबारा करूंगी बोल के। नेक्स्ट ईयर आई, एक हफ्ता पहले यहां पे आई, उसने मुझे यहां पे पर्सनली मिलके, बेटा मैं दोबारा आएगी बोल के, क्योंकि आने के बाद एक हफ्ता यहां पे थोड़ा क्लाइमेटेशन होता है तो यहां पे घूमते हैं, फिर यहां पे मिला मुझे, फिर बेटा मैं फिर पहुंच गया, अब मैं इस बार दोबारा करूंगी बोल के 71 किलोमीटर के दोबारा भाग लिया उसने, कंप्लीट करके यहां पे एक मिसाल कायम करके चली गई। उनका नाम है मैम पुष्पा और उनकी एज जो है 66 ईयर ओल्ड। पाकिस्तान सेटल थे वहां पे, वो पाकिस्तान लोग हमारे नोएडा के अंदर से पूरा जमीन कैप्चर करते थे और उनको रोकने वाला कोई नहीं था। 15 साल की उम्र में एक लड़का खड़ा हो गया सिविलियन में, जिसका नाम था सेवांग चेन। उन्होंने पूरे जवानों को बताया, जो भी मेरे पीछे आना चाहते आ सकते हैं, मैं इन पाकिस्तानियों के साथ लड़ने के लिए जा रहा हूं बोल के। उसके पीछे पीछे अभी की तरह कम से कम 28 जवान शामिल हो गया, 15-16 लड़का ग्रुप बन गया। अब उसने सोचा इस ग्रुप बन गया, अब इसको ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बना के उसी का नाम रख दिया नोपुरा गार्ड्स। क्या रख दिया? नोपुरा गार्ड्स। 1 महीना ट्रेनिंग दिया, कैसे? सिविल ट्रेनिंग। ड्रेस नहीं थे उनके पास, वेपन थे उनके पास 6-7, बोल्ड एक्शन 3-0-3, एक राउंड को डालने के बाद दोबारा कोक करते हैं, फिर उसको राउंड डाला जाते हैं। वो यूज किया था 20 आर्चरी बनाया, गुलेल बनाया पत्ता फेंकने के लिए, वहां पे बिल्कुल खोद के, जमीन को खोद के वहां पे खुद को फेंकने के लिए, पाकिस्तान से छुपने के लिए, वो क्या बोलते हैं उसको, बंपर टाइप बनाया लंबा में,
पूरा देश बंधन डेली ड्यूटी देते थे वहां पे। तीन महीने तक पाकिस्तान को घुसने नहीं था, वहां से हिलने नहीं था इन्होंने। वहां पे वार होने वाला था, तुरंत जम्मू कश्मीर में पता चला कि नुब्रा के अंदर इस तरह हालात हो रहे हैं बोल के। फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर से लद्दाख के अंदर 18 गोंडला राइफल रेजिमेंट को भेजा गया। यहाँ पे भेजने के बाद लद्दाख के अंदर सेटल होने के बाद इस 28 बंदे को नुब्रा से ले में शिफ्ट करा दिया रातों रात। 28 बंदे का ये कमांडर था ही था। 28 बंदे को यहां लाने के बाद 28 बंदे को फौज में भर्ती करके, पूरे को फौज में भर्ती करके इसको दोबारा कमांडर बना के 17 साल की उम्र में इसको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो कि उसने नुब्रा के अंदर वो काम किया था। पूरा वार्ड लड़ा 47 में, 62 में, 65 में, 71 में, पूरा वार्ड लड़ने के बाद 1984 में नॉर्मली डेथ बता दी। 71 तुर्तु को कैप्चर करने के लिए इसको इसलिए वहां पे भेजा गया नुब्रा के अंदर क्योंकि वो उसी नुब्रा का ही था। जमीन के हिसाब से, पहाड़ी के हिसाब से सब कुछ इसको मालूम था, इसीलिए इसको वहां पे कमांडर बना के दिया। वहां पे 71 में तुर्तु को कैप्चर करने के बाद दूसरी बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1931 में पैदा हुआ था, 1984 में नॉर्मली डेथ हुआ। 1962 में चाइनीज वॉर हुआ था, तब से लेके आज तक यहाँ पे सीज फायर है। दोनों मुल्क वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे बोल के नहीं करते थे। फेंसिंग बना हुआ है, दोनों फेंसिंग देखने के लिए आता है और चले जाता है। इंडियन आर्मी यहाँ पे फेंसिंग देख के वापस जाते हैं और वो लोग आते हैं वहां से फेंसिंग देखने के लिए और फेंसिंग को बिगाड़ के हमारे फेंसिंग को लात मार के फिर जमीन को कैप्चर करते हैं। फिर वहां से दौड़ के आना पड़ता है, यहाँ पे हाथापाई होता है हमेशा। मगर इस बार क्या हुआ, 2020 में कर्नल भिकुमला संतोष बाबू के साथ 20 जवान को कैसे शहीद किया उन्होंने। हमारे 20 जवान थे, उनके 300 जवान मिलकर घेर लिया था उनको वहां पे। उनके हर जवान के पास शॉप वेपन थे, लकड़ी के ऊपर फेंसिंग वायर बिछा के, हाथों में चाकू उठा के, लोहे का रॉड उठा के, उसी से वार करके हमारे 20 जवान को वहां पे शहीद कर दिया। लास्ट हमारा महावीर चक्र जो है कर्नल भिकुमला संतोष बाबू पोस्टमस आफ्टर डेथ, वहां पे उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आखिरी समय तक लड़ते रहा। एक जवान उस मां के लिए कितना अहमियत रखते हैं, इस देश के लिए कितना अहमियत रखते हैं, 20 जवान को वहां पे शहीद कर दिया। लेटर रिकवर फ्रॉम पाक सोल्जर, ये हमारा नहीं है, पाकिस्तान आर्मी का एक लेटर है। वेपन के साथ वहां पे कैप्चर हुआ था, उर्दू में लिखा हुआ है, ओरिजिनल है, बाद में इसको ट्रांसलेशन किया हुआ है। उर्दू में लिखते हैं, प्यारे अबू जान वालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूं, आप लोगों की सलामती के लिए दुआ करता हूं, मेरी सलामती के लिए भी दुआ करना। उसने एक लेटर भेजा था बिजनेस सर, उस लेटर की तरह उसने 5000 रुपए भी भेजा था घर के अंदर। वो 5000 रुपए घर के अंदर अलग अलग तरीके से यूज हुआ। स्कूल बच्चे को फीस दिया गया, बिजली का फीस आया था, किसी से कर्जा लिया था, किसी को मस्जिद में चढ़ाया, किसी को 83 रुपीज देना था, किसी को 250 रुपीज देना था, वो सब कुछ दे दिया, उसके बारे में लिखा हुआ। आप सभी को मेरे तरफ से ईद मुबारकबाद बोल के इस खत के अंदर लिखा हुआ है, जो वार के दौरान कैप्चर हुआ है। हमारे भी जाता है, उनका भी आता है, हम लोग सम्मान के साथ रिटर्न करते हैं और वो हमारे जवानों को पीसेस करके बेचते हैं। जमीन आसमान में इतना फर्क है, जानवर और इंसान में इतना फर्क है। प्राउड फील होता है कि हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए, इस देश में पैदा हुए। कितना हसीन देश है, कितना यहाँ पे पीसफुल है। उसके अंदर देख लीजिए आप लोग, पाकिस्तान के अंदर एक जानवर भी इतना काम नहीं करता जो उन्होंने किया। जिंदगी भर हिंदुस्तान पर, हिंदुस्तान की तरह बनने के लिए उनका लाइफ खत्म हो जाएगा, मगर हिंदुस्तान नहीं बनेगा, वो कभी भी नहीं बनता, क्योंकि ऊपर डिसिप्लिन नहीं तो नीचे कहां होगा। जब बाप में डिसिप्लिन नहीं तो बेटा तो होगा ही होगा, तो इसीलिए वहां पे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अशांति है। हर दिन हर रात अशांति, शांति नहीं है बिल्कुल, उनको नहीं मिलेगा। भगवान भी यही चाहता है, एक इंसान को टुकड़ा करेगा तो भगवान उसको जीने देगा, जीने नहीं देता कभी। उसके ऊपर वो लगता है कभी ना कभी, एक दिन देख लेना आप लोग, इतना भयानक आएगा भगवान का, वो आएगा उनको सब कुछ खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे होता है, अचानक आप सभी को कुछ नहीं कर सकते, भगवान धीरे धीरे पक्का दिखाते हैं। अब उन जवानों का एक दिन जिसको पीसिस किया था, उन जवानों के बदले में उनको कुछ ना कुछ हो जाएगा। इंसान है, इंसान को पीसिस नहीं करते, ठीक है शूट हो सकता है मगर पीसिस करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यही किया था हमारे जवानों, और वो भी बोरी में बांट के भेजा था यहाँ पे, बोरी में एक एक पीसेस अलग करके कैप्टन सौरभ कालिया को। कुछ है परमवीर चक्र, जिन जिन लोगों को मिला है वो है लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, परमवीर चक्र, इनकी पूरी स्टोरी है।
क्यों मिला है, किस रीज़न से मिला है, ऐसे करके सारे हमारे वीर जवान हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा हो गया, संजय कुमार जी हो गए, राइफल मैन संजय कुमार, सिर्फ टीवीज वगैरह में देखे थे, आज लाइव देख रहे थे वो। बाप रे। और ऐसे इधर भी हैं, ऐसे कई सारे जवान हैं हमारे जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, ये देखो सबके नाम हैं, आप देख सकते हैं। ये वो सर्विस बुक है और आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पाक सोल्जर्स, पाकिस्तान के वो हैं आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह, पर्सनल लेटर ऑफ पाकिस्तान सोल्जर जो उनके डेथ होने के बाद मिलेंगे शायद वो वाले हैं, ये पर्सनल डायरीज ऑफ पाक सोल्जर्स, स्क्रैप बुक ऑफ 1964, वो ये सब उनकी बुक्स वगैरह। और ये क्या चीज़ है, ओके ओके ओके, शॉपिंग करने के लिए, वाह क्या हो रहा है देखो। ओके, कारगिल वॉर में पाकिस्तानियों से ली हुई वेपन से, अच्छा देखो कितनी बड़ी बड़ी बंदूक है सालों। और ये भी है मशीन गन 7.62 mm, भाई साहब वाह। ये आपने कमान के दौरान अपने फिल्मी के साथ हेलीकॉप्टर कैरस होकर शहीद हुआ था, है ना, वो पहले बहुत ढूंढा था मिला नहीं बाद में, मैं वो देखा ना कि मसाद नहीं था, देखा ना कि मसाद था, इसके हाथ में क्या उठा हुआ है, मशाला उठा हुआ है। ये जो कारगिल विजय दिवस के टाइम पर कारगिल से लेके आपके पीछे ही यहाँ तक उसी ने छोड़ रखा, वही चीज है, दूसरी चीज नहीं रखा है, नहीं तो वहां पहुंचने के बाद पूछता है क्या चीज है। बाकी मैंने बोला था आपको कारगिल वॉर के दौरान हमारे कितना आदमी शहीद हो, बोला मैंने 527 का नाम कहाँ लिखा हुआ है, ये दीवार के ऊपर लिखा हुआ है। मैंने तो आप लोगों को बोल दिया कारगिल विजय दिवस मनाता है, नहीं बोला, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कारगिल विजय दिवस कारगिल के अंदर नहीं मनाता है। लगभग कारगिल से 25-30 किलोमीटर जाने के बाद जिस जगह का नाम पकड़ते दरास, दरास के अंदर मनाता है, युद्ध भी ज्यादा दरास में हुआ था, मनाता भी दरास के अंदर मनाता है। कारगिल के नाम बार बार क्यों लेते हैं, हर जगह पर कारगिल कारगिल का क्यों लेता है, क्योंकि लद्दाख के अंदर टोटल दो डिस्ट्रिक्ट है, एक लेह डिस्ट्रिक्ट, एक कारगिल डिस्ट्रिक्ट है, ये जो दरास अलग सा डिस्ट्रिक्ट नहीं था वो कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाता है। किसके नाम लेता है, ले डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाता है, इसीलिए नाम ले रहा कारगिल डिस्ट्रिक्ट का नाम ले रहा है, एक्चुअली दरास के अंदर मनाता है। अभी आप लोग सोचता है 527 शहीद होने के बाद ये दुख के साथ मनाता हुआ सोचता है, ये दुख के साथ नहीं मना रहा है, खुशी के साथ मना रहा है। एक दिन नहीं मनता, दो तीन दिन मनाता है। तीन दिन क्यों मनाता है, जब भी जो कारगिल हुआ युद्ध समाप्त होने के बाद इंडियन आर्मी पाकिस्तान को बताया इस बार आप लोगों ने गलती से हमारे एरिया के अंदर आ गया, दोबारा ऐसा गलती नहीं करना है, दोबारा से गलती करेगा तो इंडियन आर्मी ने उनको चालान कर रखा है, पीओके भी छोड़ने वाला नहीं है, अभी सीधा जब क्या करना, आजाद कश्मीर लेकर रखना है, आजाद कश्मीर तो ऐसे भी आने के आना चाहता है इंडिया के अंदर, है ना, क्योंकि उसको उधर उनको राशन नहीं मिल रहा था, कभी एक पैसा तक नहीं मिलता होता है। पवित्र जमीन है ये हमारा, पवित्र जमीन यहाँ पे ज्यादा हरकत नहीं होता है, यहाँ पे उन जवानों को मौन रखते हैं, साइलेंट रखते हैं। वॉर मेमोरियल किस लिए बनाता है, वॉर मेमोरियल हमेशा उन शहीदों को सम्मान करने के लिए बनाते हैं। अगर हम लोग वॉर मेमोरियल ही नहीं बनेगा तो हमारे लिए शहीद भूल ही जाएगा सभी। लद्दाख के अंदर 4 वॉर मेमोरियल है, आज आप लोग को यहाँ पे कारगिल दराज में सियाचिन बेस कैंप में और हमारा रिजंगला जो आप लोग पेंगोंग साइड में जाता है, चुशुल साइड में, यहाँ से नीचे जाता है आप लोग दिल्ली इंडिया गेट में भी है वॉर मेमोरियल, मगर हम लोग क्या करते हैं वहां जाने के बाद एक यूं करके एक सेल्फी लेके वापस आता है। आप लोग देख लीजिए टॉप में लिखा होगा इंडिया, उसमें जितना भी वॉल होगा हजारों शहीदों का नाम लिखा हुआ है, हमेशा एक अमर जवान ज्योति चला के रखता है, सम्मान करके सलाम करके माथा टिक के सलाम करके आता है हम लोग वहां पे जाके, उन्हीं की वजह से हम लोग वहां पे घूम पा रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ पे घूम पा रहे हैं। उस काले देवर के अंदर गोल्डन कलर से नाम लिखा हुआ है 1366 जवानों का नाम लिखा हुआ है जो शहीद हुए, वहां तक हम लोग पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, इसीलिए आप सभी को पढ़ने के लिए वहां पे सेमेट्री बना हुआ है, हर एक जवानों का नाम लिखा हुआ है, यूनिट वाइज नंबर
यूनिट का नाम आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। शाम को यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होगा, दो बड़े स्क्रीन यहाँ पे है, दो बड़े स्क्रीन यहाँ पे है। 8 बजे शुरू हो जाता है, 8:30 बजे खत्म हो जाता है, डेली होता है। जिसने ये शो का टिकट लिया होगा 7 डेज तक वैलिड है। वॉर मेमोरियल के अंदर वो शो जो है, एक फिल्म नहीं दिखाते, पूरा वॉर के बारे में, कारगिल के बारे में हिस्ट्री सुनाई जाएगा आप लोगों को। बड़े बड़े दिन 15 अगस्त 26 जनवरी आर्मी डे, इस पट्टी के साथ वहां से शुरू हो जाता है उनको सम्मान करना। रीत उठा के जाता है, आगे जाने के बाद रीत चढ़ाते हैं, चारों तरफ आर्मी के जवान खड़े होंगे, वेपन के साथ सलामी दिया जाता है, भारत माता के साथ सम्मान करते हैं इन जवानों को। यहाँ पे मेरा जो समाप्त हो जाता है। थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद। यहाँ पे एक्चुअल में किया था, मुझे एक ग्रुप ने यहाँ पे हायर किया हुआ था। इसका सेंटर पॉइंट है जहाँ से आपको हर एक शहीद का नाम, उसकी बटालियन का नंबर और ये सब देखने को मिलेगा। तो ये इसका लास्ट पॉइंट है। अब सीन ऐसा है ना कि ये इतना बड़ा है कि इसको अगर मैं कैप्चर करने लगता ना तो शायद 7-8 घंटे लग जाते हैं। उसमें एक चीज़ होती जो सर बता रहे थे, उसको भी अगर मैं रिकॉर्ड कर लेता तो भी शायद ये 40 मिनट के आसपास का एक पूरा ब्लॉग बन जाता। तो मैंने कट कट करके थोड़ा सा लेने की कोशिश की है, काम काम की चीज़ें। तो ये कुछ बाकी हर एक शहीदों का नाम शिव रामा राम फिर चार बटालियन से ऐसे करके बहुत सारे हैं। खैर ये कुछ था हमारा वॉल ऑफ फेम जो कि ले में है। तो नीचे मैं इसको स्टॉप पकड़ कर उसको करवा ब्लॉक कर दूँगा। ट्रेडिशनल फूड, ओके, ये सब इनके ट्रेडिशनल फूड है। सिक्को थुप्पा यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है, ये सही है। ये क्या ब्लूटूथ जैकेट आया, हथियार देखो एक बार कितने खतरनाक खतरनाक है। ये धनुष बाण है, आर्चरी, तलवार, पत्थर के ऊपर लगाया हुआ डंडा, आगे पल के पड़ता हुआ तो जोर से पड़ता हुआ।